इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में मैं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच बघेली फिल्म की चर्चित अदाकारा, चर्चित कलाकार अन्नपूर्णा द्विवेदी जी हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत है अन्नपूर्णा जी, आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्नपूर्णा जी, आप अभिनय की दुनिया में कब आई और कैसे आई? मुझे अभिनय की दुनिया में 3 साल हो गए जी। और पहले मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की जी। मॉडलिंग से फिर इंदौर में मुझे काफ़ी सारे काम मिलने लगे तो फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में मैंने थिएटर किया जी। और एक्टिंग कोर्स किया मैंने, नरेश पांचाल सर मुंबई की एक एक्टिंग क्लास है वहाँ से मैंने किया। आप मूलतः रहने वाली मुंबई की हैं या इंदौर की हैं या विंध्य क्षेत्र से? नहीं, मैं विंध्य क्षेत्र की हूँ लेकिन मेरी स्कूलिंग नोएडा से हुई है जी। और मेरा कॉलेज इंदौर से कम्प्लीट हुआ है जी। और अभी मैं मुंबई में हूँ। विंध्य क्षेत्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है या जो पारिवारिक परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों में घर परिवार के लोग मतलब इस तरीके के कामों में जाने से रोकते हैं या अलाउ नहीं करते, तो मतलब आपको घर परिवार से समर्थन मिला या शुरू में आपको घर परिवार का विरोध झेलना पड़ा? वैसे मेरे घर में ये तो कभी अलाउ नहीं था जी, क्योंकि मेरे घर पे सब लोग गवर्नमेंट सर्विस में, मेरे पापा, मेरी सिस्टर लोग, सभी लोग जी। एक मैं ही हूँ जो इस फील्ड में हूँ। मैंने आपने हाँ बगावत करके इस दुनिया को छुआ। तो पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया इंदौर से जी। फिर मैंने 1 साल जॉब भी किया, मैंने आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है जी। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो मुझे करना है, मतलब बचपन से ही मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था। बचपन से ही मैं जब छोटी थी तो गाना गाती थी, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ एक्टिंग भी, जब मुझे ऑफर आ रहे हैं। पहली बार ही किया तो मुझे जी का सॉन्ग मिला और वो भी अच्छा चला था, और एक और इरादा सॉन्ग था जो 5 मिलियन क्रॉस हुआ, तो मुझे लगा कि एक्टिंग में भी मुझे ट्राई करना चाहिए। तो एक्टिंग में ट्राई किया, अब सिंगिंग में भी किया और अच्छा चल रहा है। पहला ब्रेकअप कब मिला, मैंने आपको पहली फिल्म कब मिली और कहाँ मिली, किसने मौका दिया? फिल्म तो मैंने हिंदी 2-3 की है जी, लेकिन जो बघेली अभी किया है मैंने 22 में जी, और एक और मैंने किया है सरकारी बच्चा जी, बॉलीवुड मूवी है, वो भी आने वाली है, रिलीज ही होने वाली है 2-3 मंथ में जी। और अभी तीसरी अविनाश जी के साथ कर रही हूँ कुंवारापुर। तो कुंवारापुर की स्टोरी जो है और कुंवारापुर की जो चीज़ें हैं, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मतलब आपने बहुत सारा कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया और हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद जब एक बिल्कुल भाषा चेंज हो जाती है, बघेली में आपको संवाद करने हैं, बघेली में आपको रिएक्ट करना है या बघेली में अपनी भाव भंगमा को प्रदर्शित करना है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक हिंदी से या इंग्लिश से बघेली बोलना थोड़ी कठिन है, उस भाषा में अपने आप को ढालना? नहीं, मतलब है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फ्लुएंट इंसान नहीं रहता, जो भाषा बोलता है वो वैसे तो नहीं बोल सकती, बट हाँ बचपन से मैं बघेली, मेरे मम्मी पापा से मैं बघेली में ही बात करती हूँ। तो मतलब आपको कठिनाई नहीं? कठिनाई हाँ बोल सकते हैं कि नहीं हुई, लेकिन मज़ा बहुत आया काम करके। एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना कि हाँ अपने भाषा के लिए, अपने जहाँ से हम हैं वहाँ के लिए काम करके थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। पब्लिक का कैसा सहयोग मिल रहा है जो आप लोगों ने काम किया है बघेली में? जैसा कि मैं देखता हूँ कि अगर बघेली की तुलना में मैं देखूँ तो जैसे क्षेत्रीय भाषा है आपकी मैथिल भाषा बिहार की हो गई, इधर मध्य प्रदेश में ही बुंदेली भाषा हो गई, तो इन भाषाओं को क्षेत्रीय लोगों का समर्थन ज़्यादा मिलता है और जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो बघेली से ज़्यादा हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैंने बघेली का रिस्पांस, बघेली क्षेत्र के लोगों का रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? बहुत प्यार मिला, मतलब सच में बहुत प्यार मिला उनका, और उन्हीं के सपोर्ट से आज जो भी हम लोग बघेली में कर रहे हैं हम लोग, तो बस उन्हीं की वजह से कर रहे हैं, पब्लिक की वजह से, जो विंध्य के लोग हैं जो प्यार दे रहे हैं, इसलिए हम लोग हिम्मत जुटाए हैं कि हम आगे भी काम करें और अपनी बघेली को समृद्ध, सब लोग मिल के समृद्ध आगे ले जाएंगे। क्या योजना है आगे बघेली में और क्या क्या करने का इरादा है? बहुत सारे प्लान हैं, आप लोग सपोर्ट करेंगे, पूरा विंध्य अगर सपोर्ट करेगा तो हम नेशनल लेवल पर लेके जाएंगे बघेली को जी, कोशिश हमारी यही है। आप
जो फिल्म कर रही हैं जी, तो आपके मुख्य किरदार हैं, आपके साथ शायद अविनाश जी हैं जी, तो शूटिंग के दौरान कभी झगड़ा वगड़ा होता है? झगड़ा तो वो जब इतने सारे लोग रहते हैं तो झगड़ा तो हो जाता है किसी किसी बात पे, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना हो, क्योंकि कैरेक्टर में ढलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए, कि उस कैरेक्टर में रहेगा तो और अच्छे से फील कर पाएगा, अपनी चीज़ें कर पाएगा। अविनाश जी जितने माने कूल दिखते हैं, माने फिल्म की शूटिंग के दौरान भी उतने कूल रहते हैं कि कभी कभी रिएक्ट करते हैं, कि जैसे आपने कोई, चूँकि फिल्म की कहानी भी उन्हीं ने लिखी है, सारा सब कुछ उन्हीं का है, तो जैसा वो किरदार चाहते हैं जब वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, तो वो कुछ रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते कभी ऐसा? वो कूल हैं, उतने ही कूल हैं, और वो इंसान पे छोड़ देते हैं कि आप अपना नेचुरल चीज़ें आप निकाल के दो, एक बार वो कोशिश करेंगे कि आप ऐसा करो, लेकिन अगर वो वैसा उनके मन का नहीं कर पाएगा कोई एक्टर, तो वो छोड़ देते हैं कि आप अपना नेचुरल चीज़ दो जो आप हो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई ऐसे फ्रीली किसी एक्टर को नहीं छोड़ता है कि आप ऐसा करो, वो बोलते हैं कि आप इस पर खेल जाओ जो आपको करना है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है एक एक्टर के लिए। एज ए एक्टर अविनाश जी को अगर आपको नंबर देना हो तो कितने नंबर देंगे? 10? नंबर का तो मैं 9 नंबर दे सकती हूँ 10 में क्योंकि एक नंबर नहीं दूंगी मैं, कि जिससे और भी कोशिश करें वो और आपने 10 में 10 दे दिया तो फिर उनको लगेगा कि मैं संपूर्ण हो गया, अब हमें कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है जी। तो अभी जो आगे भी अविनाश जी की फिल्में बनाने की योजना है, तो जब कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये किसी दूसरी हीरोइन को लेने वाले हैं, तो थोड़ी सी जलन होती है कि नहीं, कि दूसरी को क्यों लेने की सोच रहे हैं? वो जेलसी तो सबको होता है थोड़ा सा और नहीं भी, कि सबको मौका मिलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमसे बातचीत किया, बहुत थैंक यू।